हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। दिस चैप्टर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी की साइंस की बुक से और विल फिनिश दिस चैप्टर। एंड आई रिक्वेस्ट यू, आप इस लेसन को मेरे साथ, इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स देखे होंगे। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। लेकिन बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनको हम देख नहीं पाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे सराउंडिंग में तो हैं लेकिन हम उनको देख नहीं पाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाई डू वी कॉल दैम माइक्रो ऑर्गेनिज्म? बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। उनका जो साइज़ होता है बहुत स्मॉल होता है। हम अपनी आई को हमारी आईज के साथ नहीं देख सकते हैं। वी नीड सम मैग्नीफाइंग ग्लास और वी नीड अ माइक्रोस्कोप। लाइक वी कांट सी देम विद अनएडेड आई। वी हैव टू नीड सम एड टू सी देम, राइट? फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट्स सर्फेस गेट कवर्ड विद ग्रेश वाइट पैचेस। तो आपने देखा होगा बारिश के इस मौसम में जो हम ब्रेड लेके आते हैं तो वो थोड़े दिन के बाद ख़राब हो जाती है, उसके ऊपर पैचेस आ जाते हैं ग्रेश वाइट कलर के, राइट? सो ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर। तो आप अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो या मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ देखोगे तो यू विल सी वेरी स्मॉल स्मॉल टाइनी स्ट्रक्चर, जिसको हम नाम देते हैं फंगस का, राइट? सो वेयर डू दिस कम फ्रॉम? ये हमारे ब्रेड में कहाँ से आ गई? सो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हवा में हैं, हमारी सराउंडिंग्स में हैं, सॉयल में हैं, पानी में हैं, बात क्या करें, सब जगह पे हैं। एंड हाउ डू दे एंटर, जो है हम उनको क्यों नहीं देख पाते हैं और ये हमारे खाने में कैसे आते हैं, ये सब पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमें चैप्टर का नाम बताता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, वो हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं, हमारे दोस्त भी हो सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर, दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनका जो है स्मॉल साइज होता है, राइट? इवन चाहे आप पानी का सैंपल ले लें, चाहे सॉयल का ले लें, सो जहाँ पे भी देखेंगे दे आर प्रेजेंट ओनली इन द एयर, दे आर प्रेजेंट इन द वाटर। अगर आप कहीं डेजर्ट में हैं वहाँ पे भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेगा, कहीं अगर आप ठंडे इलाके में हैं वहाँ पे भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेगा। तो बात क्या है कि आपको सब जगह पे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स मिल सकते हैं। सो दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और माइक्रोस आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई। सम ऑफ दीज सच एज फंजाई दैट ग्रो ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद मैग्नीफाइंग ग्लास। लेकिन इसमें से जो फंगस है दैट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। सो व्हाट इज़ अ माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू, जो हमें चीज़ों को मैग्नीफाई करके दिखाती है। सो दोज थिंग्स देर आर वेरी स्मॉल स्मॉल एंड वी कांट सी विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई, सो वी नीड माइक्रोस्कोप फॉर दैट, राइट? नाउ दिस इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई आर द माइक्रोब्स आर कॉल्ड सो, वाई द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सो? बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड वी कैन नॉट सी विद द हेल्प ऑफ अ नेकेड आई, सो वी नीड टू हैव सम लाइक एड विद विच वी कैन सी, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Now, microorganisms are classified into 4 major groups. These groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. तो आप देख सकते हो कि जो है ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको 5 कैटेगरी में जो है बेसिकली हम कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले जो है हमारा उन्होंने दिया हुआ है बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया है इसकी भी जो है 4 जो है शेप्स हो सकती हैं। दे कैन इन द फॉर्म ऑफ राउंड शेप, जिसको हम बोलते हैं कोकाई। दे कैन इन द फॉर्म ऑफ रॉड शेप, दिस इज़ द रॉड शेप। एंड आपको जो है स्पायरला की फॉर्म में भी, जो स्पायरल की तरह में मिलेंगे उसको स्पायरल फॉर्म में भी मिल सकते हैं और कॉमा की फॉर्म में भी मिलते हैं। और कॉमा फॉर्म में जो बैक्टीरिया मिलता है हम उसको बोलते हैं विब्रियो फॉर्म। सो विच जो है विब्रियो फॉर्म आपको कौन सी फॉर्म में मिलेंगी? कॉमा फॉर्म में, स्पायरला स्पायरल फॉर्म में, रॉड शेप में, कुकाई जो होते हैं स्फेरिकल शेप में। तो आपको ये पता होना चाहिए जो बैक्टीरिया है या तो वो अकेला रहेगा या कॉलोनीज में रहे, कॉलोनी बना बना कर रहेगा। नाउ लेट्स गो फॉर दिस एल्गी। तो एल्गी भी क्या है? दीज आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स, दे आर ऑटोट्रॉफ्स। वाई दे आर प्लांट लाइक? बिकॉज दे हैव द
पिगमेंट दैट इज़ कॉल्ड द क्लोरोफिल. सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स क्योंकि ये अपना खाना खुद का बना सकते हैं. दे कैन ऑल्सो भी यूनिसेलुलर, सिंगल सेल भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं. बात करें अगर हम बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया जो है हमारा सबसे पुराना और स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. तो हमने ग्रेड सिक्स में भी जो है हम पढ़ेंगे कि जो स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ PPLO, दैट इज़ प्ल्यूरोनमोना लाइक ऑर्गेनिज्म, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट, जिसको माइकोप्लाज्मा भी बोला जाता है, वो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है. लेकिन उसका साइज सबसे स्मॉल होता है. और ये बैक्टीरिया है जब से ये धरती बनी है तब से जो है हमारी धरती के ऊपर है. बात करें अब हम प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ क्या है? दे आर दी एक्वाटिक फॉर्म. ये आपको जो है पानी में मिलेंगे, राइट? सो यू विल गेट दिस अमीबा एंड पैरामीशियम इन दी वाटर. द अदर थिंग इज़ द फंजाई, जो अभी हमने देखा था कि जो ब्रेड के ऊपर हम देखते हैं आ जाती है. सो दैट इज़ कॉल्ड द फंजाई. और ये जो है फंजाई, दिस इज ब्रेड मोल्ड एंड देन इज़ द पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस. पेनिसिलियम जो है इसको जो है यूज़ किया जाता है एक ड्रग बनाने में, एंटीबायोटिक दैट इज़ पेनिसिलिन, वहाँ भी जो है इसका उपयोग होता है. तो ये जो पेनिसिलिन से एंटीबायोटिक बनाने की खोज थी वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. तो उन्होंने ये जो खोज की थी वो एक हम कह सकते हैं कि एक डिस्कवरी बाय चांस थी, जिसको हम बोलते हैं सेरेंडिपिटी, राइट? तो सेरेंडिपिटी वाज डिस्कवरी बाय चांस, जो कि है एक जिसने खोज की पेनिसिलिन, जो हम एंटीबायोटिक जो में यूज़ करते हैं, राइट? सो दीज वर दी फॉर्म्स जिसमें जो है हम क्लासीफाई किया. फर्स्ट इज द बैक्टीरिया, सेकेंड इज फंजाई, थर्ड इज द प्रोटोजोआ एंड द लास्ट वन इज द एल्गी. तो बात करें एक और कैटेगरी की, वो ना तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आती है ना ही नॉन लिविंग में आती है. तो बात हो रही है अब वायरसेस की. वायरसेस क्या हैं? दे आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. However, they reproduce only inside the cells of the host organism. इनका सबसे बड़ा characteristic factor ये है कि जो virus है वो सिर्फ जो है living organism के अंदर ही जाकर जो है reproduce करता है. Otherwise, उसके जो characteristic हैं they are both between the living and non-living characteristic. उसके जो characteristic हैं they are both living and non-living. So you can get the question, which of the following microorganisms lie between the borderline of living and non-living organisms? Your answer should be virus. तो virus जो एक ऐसा form है जो कि living और non-living के जो है borderline में पाया जाता है. So common ailment like cold, influenza and most coughs are caused by viruses. जितनी भी cold, cough, influenza, infections होती हैं ये cause की जाती हैं द्वारा that is called virus. सीरियस डिजीजेज़ लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड बाई वायरसेस. कुछ डिजीजेज जैसे कि पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये डिजीज भी कॉज की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ अ वायरस. डिजीजेज़ लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज बाई प्रोटोजोआ. जबकि डिसेंट्री एंड मलेरिया ये कॉज की जाती हैं प्रोटोजोन द्वारा, वेयर एज टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज. इस तरीके से टाइफॉइड और ट्यूबरक्लोसिस जो हैं ये बैक्टीरियल डिजीज है. नाउ यू विल गेट द क्वेश्चन इन द एग्जाम, नेम सम बैक्टीरियल डिजीज. तो बैक्टीरियल डिजीज में आपको बताना होगा कि कौन सी जो है बैक्टीरियल डिजीज है, राइट? सो लाइक देन यू हैव टू टेल कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज. जैसे कि पोलियो हो गया, देन वी डिस्कस कि चिकन पॉक्स हो गया, ये सब वायरल डिजीज हैं. अगर बात की जाए प्रोटोजोअल डिजीज, तो डिसेंट्री एंड मलेरिया दे आर प्रोटोजोअल डिजीज. तो इस तरीके से जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Now we'll discuss like where do microorganisms live. So this is the structure of the viruses, right? Now we have seen like where do microorganisms live. So microorganism jo hai kahan pe rehte hain, we'll discuss now. Microorganism may be single cell like bacteria, some algae and protozoa, or multicellular such as many algae and fungi. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं वो सिंगल सेल हो सकते हैं. सिंगल सेल में आपके पास कौन सा आएगा, लाइक बैक्टीरिया और सम एल्गी एंड सम प्रोटोजोआ. और या मल्टी सेलर हो सकते हैं जैसे कि अल्गा और फंजाई की तरह की. दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड. दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिंगल सेल हो सकते हैं या मल्टी सेलर हो सकते हैं. दूसरी बात, वो कहीं पे भी रह सकते हैं, या वो ठंडे इलाके में भी रह सकते हैं, कोल्ड में भी, हमने बोला कि जो है गर्म इलाकों में भी. तो ये जो है गर्म इलाकों में या इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में कैसे रह पाते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया है उसके पास होती है सेल वॉल. तो ये सेल वॉल है वो उसको हेल्प प्रोटेक्ट करके रखती है, तो जो है ताकि वो सर्वाइव कर सके एक्सट्रीम कंडीशन में भी, राइट?
सो दूसरी ये बात है कि या तो ये ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर भी पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं दे आर वेरी गुड फॉर अस, उनको जो जो वो हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ऑल्सो सम जो हैं ऑर्गेनिज्म्स जो हैं किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर भी रह सकते हैं, मीन्स दे कैन बी पैरासाइट ऑल्सो। पैरासाइट वो होता है जो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहे, राइट? सो दे कैन बी पैरासाइट ऑल्सो, दे कैन बी फ्री लिविंग ऑल्सो, राइट? लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एस माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, सम ऑफ द बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सदर आर हार्मफुल। तो इस चैप्टर में का जो मेन मुद्दा ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जहाँ हमारे दुश्मन हैं वो हमारे लिए अच्छी चीज़ें करेंगे, दिल बी डूइंग, दिल बी हैविंग अ गुड रोल इन अवर लाइफ। अगर बात करें फो की तो वो पे हमें जो है हार्मफुल इफेक्ट दिखाएंगे। नाउ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं इन दी प्रेपरेशन ऑफ कर्ड एंड ब्रेड एंड केक। तो ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको बेकरी इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। इवन जो हम ये कह सकते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। नाउ दे आर ऑल्सो यूज अप इन क्लीनिंग अप इन्वायरमेंट। क्लीनिंग अप ऑफ इन्वायरमेंट कहने का मतलब हमारी सराउंडिंग्स में अगर बहुत सारी हैं डेड बॉडीज़ हैं तो वो धीरे धीरे जो है अपने आप ख़त्म हो जाती हैं, कुछ जो है मिट्टी में मिल जाती हैं तो वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में वो सॉइल में मिल जाती हैं, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ मेन्योर, राइट? ऑल्सो सम ऑफ दिस फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट वेजिटेबल पील रिमेन ऑफ एनिमल फीकस एट्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इन टू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेज बाई बैक्टीरिया। तो ये जो है बैक्टीरिया क्या करता है, जितनी भी हमारे पास डेड माइक्रो ऑर्गेन डेड बॉडीज़ होती हैं उनको सिंप्लीफाई कर देते हैं, उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो अगर ये बैक्टीरिया ना हो तो हमारी जो सराउंडिंग्स हैं वो डेड बॉडी से भरी हो एंड द एनवायरनमेंट विल बी स्मेली एंड अनहेल्दी। तो ये जो बैक्टीरिया है जो है हम कह सकते हैं कि दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। नाउ दे आर ऑल्सो यूज इन दी सॉइल फर्टिलिटी बाई फिक्सिंग नाइट्रोजन। तो हमने जो है राइजोबियम बैक्टीरिया पढ़ा था। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है, जो प्लांट की नोड्यूल्स होते हैं ना वहाँ पर जाके रहता है, रूट की नोड्यूल्स होती हैं वहाँ पर जाके रहता है और वहाँ पर जो है नाइट्रोजन फिक्स करता है। क्योंकि जो भी इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन है, ऑल दो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन बहुत है, दैट इज़ कॉल्ड द फ्री नाइट्रोजन, लेकिन ये जो बैक्टीरिया है इसको फिक्स करता है ताकि जो है प्लांट्स इसको यूज़ अप कर सकें। बात करते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। ये जो बैक्टीरिया हैं दे आर ऑल्सो यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। तो आपने देखा होगा जब गर्म दूध होता है तो दूध में एक शुगर होती है दैट इज़ कॉल्ड लैक्टोज। नाउ विच शुगर इज़ फाउंड इन द मिल्क, दैट इज़ कॉल्ड द लैक्टोज। लैक्टोज शुगर है वो जो है मिल्क में पाई जाती है, इसीलिए जो है इसमें जो बैक्टीरिया एक्ट करता है दैट इज़ लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो है जब हम गर्म थोड़ा सा गुनगुना दूध लेते हैं तो उसमें जो है जब हम दही का थोड़ा सा ड्रॉप डाल देते हैं तो क्या होता है कि जो लैक्टोबैसिलस है उसकी ग्रोथ एकदम से इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो दही खट्टा जो है हमारा जो है दही जो है खट्टा हो जाता है, या दूध हम कह सकते हैं कि खट्टा हो जाता है, थोड़ा सा सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, राइट? सो व्हाट हैपन्स इज इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चीज पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। तो जितनी भी हम देखेंगे कि जितनी फर्मेंटेशन से जो है चीज़ें बनती हैं, फर्मेंटेशन से कौन सी बनती है, जैसे इडली बनती है, केक बनते हैं, तो वहाँ पे जो है इन जो लैक्टोबैसिलस का प्रयोग होता है। ऑल्सो ये जो यीस्ट होती है, यीस्ट जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन दी फर्मेंटेशन। तो जो अल्कोहल इंडस्ट्री है वहाँ पे यीस्ट का भरपूर उपयोग होता है, जिसमें जो यीस्ट है फर्मेंटेशन करके जो है अल्कोहल बनाने में मदद करती है, राइट? बैक्टीरियन यीस्ट आर ऑल्सो यूज फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस इडलीज एंड डोसा बैटर। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है नेम द फूड आइटम्स वेयर द फर्मेंटेशन इज इम्प्लाइड। तो कहाँ पे जो है फर्मेंटेशन से जो फूड बनता है, जितने इडली हो गया, डोसा बैटर हो गया, तो जो आपकी ब्रेड बनती है वहाँ पे भी जो है फर्मेंटेशन होता है। तो आप देखते हैं कि जब हम आटा लेते हैं तो उसमें जो है यीस्ट डालते हैं और उसमें तो शुगर डालते हैं, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जैसे आटा ये नॉर्मल है, लेकिन अगर हमने यीस्ट डाली हो तो ये आटा काफ़ी फूल जाएगा। ये आटा फूला क्यों? क्योंकि इसमें जो हमने यीस्ट डाली थी तो ये यीस्ट बड़ी जल्दी से मल्टीप्लाई हो जाएगी,
तो ये जो है यीस्ट जब रेस्पिरेशन करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी, तो हम देखेंगे छोटे 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 छेद होते हैं ब्रेड में, वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो यीस्ट है वो रेस्पिरेशन करती है और जो है आटे को जो है फुला देती है। वहाँ पे जो प्रोसेस होती है दैट इज़ कॉल्ड द फर्मेंटेशन। तो वहाँ पे जो है आटे की फर्मेंटेशन होती है जिससे जो है डो हमारा उसका जो है साइज़ बढ़ जाता है। नाउ यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड पेस्ट्रीज एंड केक। और यही जो चीज़ है ये यूज़ की जाती है इन दी बेकिंग जो है इंडस्ट्री है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाई द यीस्ट लाइक राइट द रोल ऑफ यीस्ट इन द ब्रेड इंडस्ट्री या अल्कोहल इंडस्ट्री या पेस्ट्रीज के लिए। तो यहाँ पे है कि जो यीस्ट है एकदम से जब हम शुगर डालते हैं तो यीस्ट एकदम से जल्दी रिप्रोड्यूस कर देती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, तो जो बबल होते हैं वो फॉर्म होते हैं, इसकी वजह से जो है उसका वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लाइक राइट द रोल ऑफ यीस्ट। अब जो है हम बात करेंगे कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। सो व्हाट इज़ एसिटिक एसिड? एसिटिक एसिड इज़ द विनेगर, जिसको हम सिरका भी बोलते हैं। सो यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। फॉर दिस पर्पज़ यीस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूस एक्सेट्रा। तो आप देखें जितनी भी वाइन इंडस्ट्री है वहाँ पर फ्रूट को लेकर क्रश किया जाता है, मोस्टली ग्रेप्स को, तो उसमें यीस्ट डाल दी जाती है जिसकी वजह से फर्मेंटेशन होती है, फिर वो अल्कोहल और वाइन बनाने में मदद करती है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो ब्रेड सॉरी जो बैक्टीरिया है उसको हम कर्ड बनाने में हमारी मदद की। अब जो है यीस्ट ने कहाँ पे मदद की? इन द ब्रेड इंडस्ट्री। तीसरा कमर्शियल पर्पज़, वहाँ पर जो है यीस्ट ने हमें अल्कोहल बनाने में मदद की। राइट, नाउ लेट्स गो टू दिस साइड लाइक हाँ, so what is fermentation? So the smell of alcohol, as sugar has been converted into alcohol by yeast, this process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. So you can be asked question, what is fermentation? So that is the conversion of sugar into alcohol by yeast. This is called the fermentation. तो जो लुईस पेस्टर थे उन्होंने डिस्कवर की थी फर्मेंटेशन इन 1857. सो यू कैन बी आस्क हु इज़ द डिस्कवर हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन। सो फर्मेंटेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय लुईस पेस्टर। ऑल्सो जो लुईस पेस्टर हैं उन्होंने पेस्टराइजेशन को भी डिस्कवर किया था। सो पेस्टराइजेशन एक ऐसा मेथड होता है जिससे हम जो है फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, मोस्टली जो दूध को एकदम से गर्म करके उबाल के जो है एकदम से इसको ठंडा कर देना, जिसकी वजह से जो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मर जाते हैं। राइट, सो व्हाट इज़ फर्मेंटेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इंटू अल्कोहल बाय द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट, दिस इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन। अब हम बात करेंगे मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मेडिसिनल यूज़ में देखेंगे कि जब आप बीमार हो जाते हो, सम जो है डॉक्टर्स दे विल गिव यू एंटीबायोटिक्स। व्हाट इज़ एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स वो होती हैं जब हमें कोई बीमारी होती है तो हमारे अंदर कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, तो उनकी हार्मफुल बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए जो हम दवाई देते हैं दैट इज़ कॉल्ड एंटीबायोटिक। इतना आप याद रखें, एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायो मीन्स दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर लिविंग इन अस, द हार्मफुल बैक्टीरिया, उनको ख़त्म करने के लिए जो है एंटीबायोटिक दी जाती है। राइट, सो दे गिव अस एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज दैट ऑफ पेंसिलिन। तो जो पेंसिलिन की जो डिस्कवरी हुई थी मैंने अभी आपको बताया, तो ये जो है एक एंटीबायोटिक है जो हम यूज़ करते हैं ब्रॉड बेसिस पे। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसन्स इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये एंटीबायोटिक कैसे बनती हैं? विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। These medicines kill or stop the growth of the disease-causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. So what are antibiotics? The medicines which kill or stop the growth of disease-causing microorganisms, they are called the antibiotics. So these days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. Streptomycin, tetracycline and erythromycin are some of the examples. So aapke paas hain, you may be asked like, what are antibiotics? Name few antibiotics. So you can write streptomycin, tetracycline, erythromycin. Right? तो हम ये जानते हैं कि इन 1929 में क्या हुआ था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, वो वर्क कर रहे थे
किसी डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया के कल्चर को स्टडी कर रहे थे. सो सडनली फाउंड उनको देखा कि जो उनके बैक्टीरिया के जो कल्चर था उसके ऊपर ग्रीन मोल्ड आ गई. तो जहाँ जहाँ पे ग्रीन मोल्ड थी वहाँ वहाँ पे बैक्टीरिया नहीं थी. तो उनको ये पता लग गया कि ये जो मोल्ड है ये स्टॉप कर सकती है कुछ बैक्टीरिया की फॉर्मेशन को. तो उन्होंने इसी तरीके को यूज़ किया, इसी से उन्होंने जो है एंटीबायोटिक बनाई. सो फ्रॉम दिस मोल्ड पेंसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड. सो यू कैन आस्क, पेंसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सबसे पहले फंगस, दूसरा पेंसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम, जहाँ से जो है पेंसिलिन बनती है, राइट. सो इट जो है इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेनली बैक्टीरिया, राइट. सो कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया और फंजाई से जो है एंटीबायोटिक्स बनती हैं. So the antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of disease. ये ऐसा नहीं है कि एक एंटीबायोटिक आप सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए दे दोगे, नहीं. कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होते हैं, जो कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं दे आर फॉर स्पेसिफिक डिजीजेस, स्पेसिफिक जो हैं माइक्रोब्स के लिए. Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check the microbial infection in animal. ऐसा नहीं है कि ये जो microorganisms सिर्फ हमें ही disease कर सकते हैं, ये जानवरों में भी disease कर सकते हैं. They can cause problems in diseases in and plants also. So क्या करते हैं, जो जो जानवरों का खाना होता है उसमें ये जो है antibiotics मिला देते हैं. जब किसी भी cattle को जो है we can say that infection is there, so they mix with the feed of the cattle. So they are also used to control many plant diseases. तो ये जो है प्लांट की जो है फीड है, जो पानी होगा उसमें मिला के देंगे ताकि जो है प्लांट जो है तंदुरुस्त हो जाए. Something very important is that it is very important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of qualified doctor. तो ऐसा नहीं है आप बीमार हुए तो आप लोगों को डॉक्टर ने एक बार एंटीबायोटिक दी थी तो नेक्स्ट टाइम ऑल्सो यू विल यूज़ द सेम एंटीबायोटिक्स. सो उसका एक क्राइटेरिया होता है जो एक क्वालिफाइड डॉक्टर बता सकता है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एक दवाई का एक कोर्स होता है, या तो वो 3 दिन के लिए खानी होती है, इधर यू हैव टू टेक 5 डेज. इफ़ द डॉक्टर हैज सेड टू टेक द मेडिसिन फॉर 3 डेज, सो मेक श्योर आप 3 दिन के लिए लें, चौथा दिन नहीं आपने लेनी. तो अगर आप डॉक्टर बोल रहा है 5 दिन, तो 5 दिन ही लेनी है. इसका मतलब ये नहीं कि आपने चौथे दिन में लेके बंद कर देनी है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो बहुत ही, इनका एक्शन जो होता है बहुत स्पेसिफिक होता है. सो व्हाट डू दे डू इज़, अगर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, जैसे हम डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो नहीं करते हैं, हमें दवाई दी थी 3 दिन के लिए तो हमने ले ली 4 दिन के लिए, तो जो हमारे पेट में गुड बैक्टीरिया है उसको भी किल कर देगा. तो अगर बात करें, हमें डॉक्टर ने बोली थी 5 दिन के लिए, हमने ली 4 दिन के लिए, लेकिन 5वें दिन तो बैक्टीरिया को डोज पहुंची नहीं, तो वो जो है बैक्टीरिया और स्ट्रांग हो जाएगा. यू मीन यू गॉट द माई पॉइंट, कि वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाएगा. जैसे अगर हम बच्चे को एक बार प्यार से बोलते वो नहीं समझता, दूसरी बार हम फिर उसको बोल के डांट के समझाते हैं वो नहीं समझता, तीसरी बार फिर माँ क्या करती है, स्टिक उठाती है. तो इसी तरीके से अगर देख, इफ़ इट कीप ऑन गोइंग, तो हमें क्या होता है कि जब नेक्स्ट टाइम हमें एंटीबायोटिक देनी होगी वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि जो है बैक्टीरिया अब जो है रेजिस्टेंट हो गया, क्योंकि आपने डोज जो है बहुत कम दी थी, राइट. सो इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोज, इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर. तो अब नेक्स्ट टाइम आपको ड्रग लेनी होगी तो उसका स्ट्रांग डोज देना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका अंदर का बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो गया है. ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरी में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी. एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज बाय वायरसेस. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर आपको कोल्ड या फ्लू है तो आप उसको कौन सी जो है मेडिसिन दोगे. विल यू टेक एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी प्रोटोजोन. आप उसको कोई दवाई नहीं दोगे, क्योंकि ये जो है वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज के लिए जो है हम एंटीबायोटिक जो है वो जो इफेक्टिव नहीं होती हैं. सो दे हैव टू मोस्टली वेट एंड वॉच. हम देखते हैं अगर हमें कोल्ड होता है या हमें फ्लू होता है तो वी आर नॉट सपोज टू टेक एनी एंटीबायोटिक्स बिकॉज दे आर कॉज्ड बाय द वायरस. नाउ वील गो फॉर द वैक्सीन. अब हम पढ़ेंगे वैक्सीन के बारे में. वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन. तो आपने देखा होगा जब एक छोटा बच्चा होता है तो हम उसको इंजेक्शन दिलाने जाते हैं, तो ऐसा हम क्यों करते हैं.
तो व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स अवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर. जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज कैरिंग माइक्रोब जाता है तो हमारी बॉडी जो है अपने आप को प्रोटेक्शन करती है. वो प्रोटेक्शन कैसे देती है हमें, हमारी बॉडी में जो है एंटीबॉडीज बनाकर, राइट. द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेन. लेकिन बॉडी जो है ये एंटीबॉडीज को जब बना लेती हैं तो वो जब वो उस माइक्रोब को याद रखती है कि किसके जब कौन सा माइक्रोब आया था तो तब मैंने ये एंटीबॉडीज बनाई थी. कहने का मतलब जैसे एक बार मुझे जो है अब जैसे कोई डिजीज़ हुई है तो मेरे अंदर जो है एंटीबॉडीज़ बन गई हैं. अगर दोबारा वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरी बॉडी में एंटर करेगा तो मेरी एंटीबॉडीज़ को याद होगा कि हाँ ये यही माइक्रोब था जो पहले आया था. तो अब ये जो मेरी बॉडी है वो अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगी क्योंकि उसको याद है ये पहली बार भी मेरी बॉडी को ऐसे बीमार करके गया था. तो जब सेकेंड टाइम जो वही माइक्रोब आएगा तो मेरी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड अच्छा करेगी, मेरी बॉडी उसको जो है उस डिजीज़ के साथ फाइट करेगी, राइट. इस डिजीज़ फाइटिंग एबिलिटी को हम बोलते हैं इम्यूनिटी. सो व्हाट इज़ इम्यूनिटी? द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज़. किसी भी बीमारी से लड़ने की शक्ति को हम इम्यूनिटी बोलते हैं. तो जिस इंसान की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है वो बीमार कम होता है, जिसकी ज़्यादा होती है, जिसकी इम्यूनिटी कम होगी वो जल्दी भी बीमारी के पकड़ में आ जाएगा, जिसकी भी इम्यूनिटी ज़्यादा होगी उसको बीमारी जो है जल्दी नहीं लग पाएगी, राइट. सो इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी द बॉडी फाइट्स एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज. तो अगर जिंदा या उसका थोड़ा सा मरा हुआ, एटीन्यूएटेड मीन्स वो मरा नहीं है, उसको हमने थोड़ा सा एटीन्यूएट कर दिया है, उसको थोड़ा सा इनएक्टिव कर दिया है, उस बैक्टीरिया को जब हम अपनी बॉडी के अंदर लेके जाएंगे तो हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडी बनाएगी और उस माइक्रोब को ख़त्म कर देगी. द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड इन अवर चाइल्डहुड सो फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब फॉर एवर. तो इस तरीके से जो है हम डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से हमेशा के लिए बच जाते हैं. दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क. इसीलिए जो इस तरीके से जो है इंजेक्शन काम करता है. सो नाउ व्हाट इज यू विल गेट द क्वेश्चन व्हाट इज़ अ वैक्सीन. तो एक वैक्सीन क्या होता है, ये लाइव होता है या एटीन्यूएटेड फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है. जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो क्या करता है, ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाता है. तो नेक्स्ट टाइम अगेन जब वो माइक्रोब हमारी बॉडी में आएगा तो हमारी बॉडी उसको पहचान लेगी और उसको जो है हमारी बॉडी से भगा देगी और हम जो है तंदुरुस्त हो जाएंगे. यही एक रीज़न है कि एक बच्चे को जो है हम वैक्सीन दिलाते हैं, राइट. सो दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क. सेवरल डिजीजेज इंक्लूडिंग कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन. सो नाउ यू विल गेट द क्वेश्चन हियर कि कौन कौन सी ऐसी बीमारी हैं जिनसे जो है आप जो है वैक्सीन के लिए आप जो है हेल्पफुल होता है. सो कौन सी बीमारी हैं, वो है कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस. तो ये जो ऐसी डिजीज हैं दैट कैन बी प्रिवेंटेड बाई वैक्सीनेशन. तो सबसे पहले जो वैक्सीन बनाया था फॉर स्मॉल पॉक्स बना था 1798 में और ये थे एडवर्ड जेनर. सो हु वाज़ द फर्स्ट पर्सन हु मेड द वैक्सीन, इट वाज़ एडवर्ड जेनर. और ये कौन सी बीमारी के लिए बना था, इट वाज़ मेड फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स. आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू. सो इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज. कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीजेज, यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स. तो आप अपने पेरेंट्स से पूछना आपको बचपन में कौन कौन से इंजेक्शन लगे थे, राइट. सो BCG, टेटनस, इन सबके जो है इंजेक्शन छोटे बच्चों को लगते हैं. मीजल, मम्प, MMR, मीजल, मम्प एंड देन रुम्बेला, ठीक है. इट इज़ असेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दी डिजीजेज. नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल्स. यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट. हाँ, अभी पल्स पोलियो का अभियान चला था जहाँ पे अमिताभ बच्चन जी ने काफ़ी ज़्यादा लेवल पे जो है उसको लिया था. तो जिस तरीके से जो है अब जो है पोलियो इज़ नो मोर डिजीज इन अवर इन द वर्ल्ड, राइट. एटलीस्ट इंडिया जो है उससे उसमें जो है अब पोलियो इंडिया में नहीं है. A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most part of the world. तो इसी तरीके से जो है smallpox का वैक्सीन जब बना तो उसने भी जो है smallpox को जो है इरेडिकेट कर दिया. So these days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several disease. The other use is increasing the soil fertility. तो क्या होता है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, हमने कौन सा बैक्टीरियम पढ़ा था, राइजोबियम. तो राइजोबियम क्या करता है, रूट नोड्यूल्स में फिक्स हो जाता है और वो जो है इवन जो कुछ ब्लू ग्रीन एल्गा है वो और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. तो ब्लू ग्रीन एल्गा एंड सियानोबैक्टीरिया,
दैट इज़ एंड्राइजोबियम. ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं प्लांट में और जो है इसकी जो है सॉयल की जो है फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं. दूसरा है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट. कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो है डेड डिकिंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके ऊपर फीड करते हैं, उनको अच्छे से सिंप्लीफाई करके या तो मन्योर बना देते हैं उनको, और देन व्हाट दे डू इज़ उसकी जो है मन्योर बन जाती है, तो फिर जो है अगेन जो उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं. इस तरीके से वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं. सो क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, तो इस तरीके से अगर डेड बॉडी के ऊपर ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर एक्ट नहीं करेंगे तो जो हमारी बॉडी जो अर्थ है जो फिलअप हो जाएगी विद दी डेड बॉडीज़, और हर जगह जो है प्रदूषण हो जाएगा, सब जगह फाउल स्मेल हो जाएगी और बीमारी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे. तो अभी तक हमने गुड बैक्टीरिया पढ़ा. गुड बैक्टीरिया कहाँ पे पढ़ा है, कुछ बैक्टीरिया हमारे पेट में है. तो आपका कैसे याद हो, याद करोगे, सबसे पहले आपका बर्थ हुआ तभी आपके पास जो है कुछ बैक्टीरिया थे, हेल्दी बैक्टीरिया, जैसे कि ई कोलाई, राइट. ई कोलाई आपके पास है आपके पेट में. देन फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे छोटे बच्चे को इंजेक्शन लगवाने, ठीक है. वहां पे क्या बैक्टीरिया का यूज हुआ, वहां पे वैक्सीन लग गया, ठीक है. तो अगर आप बीमार हो गए फिर एंटीबायोटिक लोगे, तीसरा एंटीबायोटिक में यूज हो गया, चौथा फिर अब आपने खाना खाना शुरू कर दिया, ब्रेड में बैक्टीरिया आ गया, यीस्ट आ गई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, देन इडली में बनाने में आया काम, फिर उसके बाद डोसा बनाने में काम आया, देन यू हैव द अल्कोहल बनाने में काम आया. तो यहाँ पे ये जो हमने कुछ कमर्शियल यूज़ जो किए, उसके बाद अगर वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स बने, तीसरा जो है सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाई, एंड लास्ट इज दी उन्होंने इन्वायरमेंट को क्लीन कर दिया. अब हम बात करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की. तो यहाँ पे ये जो एक्टिविटी है, एक पॉट में आप जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज लोगे, जैसे बॉटल हो गया, लोहे के सब्सटेंसेज हो गए, तो एक तरफ से एनिमल की जो होता है डंग और वेजिटेबल पील, ये सब लेके आप रख दोगे दो अलग अलग पॉट में, तो आप देखोगे जो एनिमल पील, एनिमल वेस्ट और जिसमें फ्रूट वेजिटेबल का पील था वो जल्दी से सॉइल में मिक्स हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करेंगे. जबकि अगर बात करेंगे लोहे की जिसमें चीज़ें थी, जहाँ शीशे की चीज़ें थी, उनके ऊपर माइक्रो का कोई एक्शन नहीं होगा. मीन्स ये जो है बैक्टीरिया जो है एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करता है. अब हम बात करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज. सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन बींग, प्लांट एंड एनिमल. ऐसा नहीं है कि ये जो डिजीज़ नहीं करते हैं, ये डिजीज़ करते हैं. नॉट ओनली इन ह्यूमन्स, दे कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड सच डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजन्स. नाउ यू विल गेट द क्वेश्चन, व्हाट आर पैथोजन? द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, आपके फूड को स्पॉयल करते हैं. आप देखते हैं कई दिन का बासा खाना हो, उसकी उससे स्मेल आती है, उसके ऊपर वाइट कलर की लेयर होती है, तो उसमें से बबल्स निकल रहे होते हैं, उसका टेस्ट फाउल हो जाता है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, स्मेल फाउल होती है, ठीक है. आपके कपड़ों के ऊपर भी कई बार जो है फंगस लग जाती है, इवन लेदर के जूते या पर्स है उनके ऊपर जो है माइक्रोबिलेक्शन होता है. अब ये जो हार्मफुल इफेक्ट पड़ेंगे उसमें पड़ेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन. सो द पैथोजन एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और फूड वी ईट. तो हमारी बॉडी में कैसे जाएगा कोई बैक्टीरिया, सबसे पहले हवा में से आ रहा है, जहाँ हमने पानी पिया वहाँ में से आ रहा है, या जो हमने कोई फूड खाया है उसमें से गया है. देन दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाई एनिमल. या हमारा उस इंसान के साथ कॉन्टैक्ट हो गया जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड था, या कोई एनिमल आया जो इन्फेक्टेड था. तो अब अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आए हैं, वहाँ पे क्या होगा? सो यू विल, अगर उस पर्सन ने छींक मारी तो उसके जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो हवा में आ गए, और उसी हवा में आप सांस ले रहे हो, तो आपके अंदर बैक्टीरिया चला गया. उसका आपने जूठा खाना खाया, पानी पिया, या उसको आपने हग किया, तो वो आपको भी डिजीज़ हो जाएगी. ऐसी डिजीज़ जो किसी कॉन्टैक्ट पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने से हो जाती है, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़. सो व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज़? माइक्रो दोज डिजीज़ दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट. तो इस डिजीज़ को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़. एग्जाम्पल्स होगी कॉलरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस. दूसरी बात है, अब अभी इन्होंने ये समझाया है कि व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज, द फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ एयर स्प्रेड जो है उसमें स्प्रेड हो जाएंगे, तो जो वायरस है वो आपकी बॉडी में चला जाएगा. इसी तरीके से जो है आपको भी इन्फेक्शन हो जाएगी.
दूसरा बात है कि इन्फेक्टेड एनिमल है, जैसे रेबीज़ होती है, वो डॉग से होती है, उसने आपको काट दिया तो आपको रेबीज़ हो जाएगी। इवन कैट जो रैट की बाइट से है वहाँ से भी हो सकती है आपको डिजीज़ कोई, ठीक है। सो देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़? तो कम्युनिकेबल डिजीज़ को आप कैसे प्रिवेंट करोगे? बाई सोशल डिस्टेंसेज, ये तो आपको पता ही, उस पर्सन से आपको यू हैव टू, इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन। सो अभी तो हमने पढ़ा कि ये किस तरीके से हम किसी इन्फेक्टेड एनिमल्स, सॉरी किसी इन्फेक्टेड पर्सन से कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, बाय एयर, वाटर एंड फूड से भी हो सकते हैं। तीसरा दो अब जो डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इंसेक्ट या एनिमल से हो सकते हैं। सो देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। सो वट आर कैरियर्स? करियर्स आर दोज होते हैं जो डिजीज़ कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेके भागे फिर रहे हैं, लेकिन उनको खुद को कोई डिजीज़ नहीं होगी, लेकिन अगर वो दूसरे को वो माइक्रोब दे जाएगा तो उसको डिजीज़ ज़रूर हो जाएगी। जैसे कि खाने वाली मक्खी है, वो कैरियर है, कॉमन कैरियर है, इवन कॉकरोच है, वो सबसे गंदी जगह में पाए जाते हैं, तो उनके जो पैथोजन बैक्टीरिया होते हैं, उनके जो हैं जो लेग्स होती हैं, उनके फीट होते हैं, उनको अटैच हो जाते हैं। वही मक्खी अब हमारे अनकवर्ड खाने के ऊपर बैठेगी तो वो पैथोजन हमारे फूड के ऊपर चोट जाएगी, तो अगर आप वही फूड खाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। मीन्स मक्खी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस जो खाने को खाएगा वो बीमार ज़रूर हो जाएगा। सच इंसेक्ट्स और एनिमल्स दैट कैरी द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट दे आर नॉट इफेक्टेड इट सेल्फ दे आर कॉल्ड कैरियर्स, राइट। So when these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. Whoever eat the contaminated food is likely to get sick. ठीक है, तो इस तरीके से जैसे example दी है उन्होंने, female anopheles mosquito, ये क्या करती है, parasite of malaria जो होता है उस जो है malaria cause करती है female anopheles, और female aedes है वो carrier है dengue virus की, right? तो why female, why not male? फीमेल जो होती है उसको एग जब बनता है वहाँ पे हमारे जो ब्लड का प्रोटीन है वहाँ उसको ज़रूरत होती है उस एग की फॉर्मेशन में। सो द मेल एनोफ्रीज है दैट ऑलवेज फीड ऑन प्लांट प्रोडक्ट, जबकि जो फीमेल एनोफ्रीज है वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल होती है एज अ कैरियर फॉर मलेरिया और एडीज मॉस्किटो फॉर डेंगू वायरस। सो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो मलेरिया है दैट इज कॉज बाय एनोफ्लीज मॉस्किटो और जो डेंगू वायरस है दैट इज कॉज बाय द एडीज मॉस्किटो, राइट, वो जो कैरियर हैं, ठीक है। सो ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट एटसेट्रा। बाय कीपिंग दिस सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। तो इस तरीके से ये टेबल आपको याद करना है कि ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया द्वारा की जाती है और किस तरीके से हमें प्रिवेंशन करनी है, ठीक है। मीजल्स कौन सी डिजीज़ है, उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, वायरस है, पोलियो का वायरस, कॉलरा का बैक्टीरिया, टाइफॉइड का बैक्टीरिया, हेपेटाइटिस ए वायरस एंड मलेरिया इज प्रोटोजोआ। तो आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी पता होना चाहिए, जैसे मलेरिया में मॉस्किटो है, तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब तक तो हमने बात की कि जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं हाउ दे अफेक्ट द ह्यूमंस, नाउ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। अब ये एनिमल्स में क्या करेंगे, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमंस एंड प्लांट बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज। Anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by bacterium. Foot and mouth disease of cattle is caused by virus. तो एक बैक्टीरिया है Bacillus anthracis, जिसको हमने Sorter's disease में भी पढ़ा होगा अपने क्लास 7 में। तो ये क्या करता है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि इंसानों में हो जाती है। ये इसको ऑक्यूपेशनल डिजीज़ भी बोलते हैं, कि जो लोग वूल इंडस्ट्री में काम करते हैं वहाँ पे उनको हो जाती है। तो जो है एंथ्रेसिस है, इसको बैसिलस एंथ्रेसिस जो बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। और एक डिजीज़ है दैट इज़ फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल दैट इज़ कॉज बाय वायरस। सो आपको यहाँ पे ये याद रखना है, फुट एंड माउथ डिजीज़ कौन करता है, दैट इज़ वायरस, और बैसिलस एंथ्रेसिस ह्यूमन में जो है सॉर्टर डिजीज़ करता है, और जो है इट ऑल्सो कॉज डिजीज़ दैट इज़ इन दी कैटल, और ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। अब डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट, तो इस तरीके से ये जो है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं प्लांट में भी डिजीज़ करते हैं, तो उनको जो है हम पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड से जो भी है उसका स्प्रे कर सकते हैं। जैसे सिट्रस कैंकर है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका बैक्टीरिया है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है। दूसरा रस्ट ऑफ वीट, ये फंगल डिजीज़ है। येलो वीन मोज़ेक ऑफ भिंडी या ओकरा, ये वायरस है। सो यहाँ पे आपको ये क्या याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, सिट्रस कैंकर का बैक्टीरिया, रस्ट ऑफ वीट फंजाई, येलो वीन वायरस। सो येलो वीन वी से वायरस याद रखना, सिट्रस कैंकर बी सी से याद रखना, बी से बैक्टीरिया, सी से सिट्रस कैंकर, बी सी से याद रखना। तो रस्ट ऑफ वीट बची वो आपको
याद रखना है फंगस, राइट। सो अब फूड पॉइजनिंग, अब जो है फूड पॉइजनिंग, कई बार क्या होता है हम बासा खाना खाते हैं तब जो है हमें कुछ कई बार उल्टी आने लग जाती है, पेट में दर्द होता है। तो इस ये क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे उस फूड में जो है माइक्रोबियल बहुत ज़्यादा पनप जाते हैं, बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पनप जाता है। सो दे स्पॉयल द फूड, सो सच व्हेन वी टेक दिस फूड वी मे हैव सम सिम्टम्स लाइक वॉमिटिंग हो गया, नोजिया हो गया, पेट में दर्द हो गया, राइट। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन अवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बींग स्पॉयल्ड। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो है फूड पॉइजनिंग जब होती है तो उसको फूड को कैसे पता चल, आपको कैसे पता चलेगा ये फूड पॉइजनड है। सो आपको जो है उसमें से फाउल स्मेल आएगी, उसके ऊपर वाइट स्कम लेयर होगी, उसमें से बबल्स बन रहे होंगे, दूसरा वो टेस्ट में भी अच्छा नहीं होगा, राइट। सो इस तरीके से जो हम खाने को, जब खाना अगर ख़राब हो रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें खाने को बचाना चाहिए। सो दैट इज़ कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। सो फूड प्रिजर्वेशन के बहुत सारे मेथड हैं, कुछ तो केमिकल मेथड होंगे और जो है कुछ जो है उसकी देखेंगे उसमें किस तरीके से जो हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। सबसे पहले केमिकल मेथड है जिसके हम सॉल्ट या एडिबल ऑयल्स जो हैं, जैसे सरसों का तेल हो गया, सॉल्ट जो हमारा नमक हो गया, ये जो भी खाने में डाले जाते हैं दे ऑल्सो एक्ट एज प्रिजर्वेटिव। कैसे, ये जो है जैसे हम कोई भी जिसमें सॉल्ट डालेंगे या एडिबल ऑयल जैसे कि सरसों का तेल हो गया या कुछ और भी एरोमेटिक ऑयल्स होते हैं वो प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ की जाते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारे अचार है वहाँ पे बहुत सारा तेल डालते हैं हम टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। दूसरा कुछ केमिकल जो बाजार से मिलते हैं जैसे सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव, इनको जैम और स्क्वैशेस में यूज़ किया जाता है। सो यू कैन गेट नेम सम केमिकल जो प्रिजर्वेटिव हैं, इसमें आपको याद रखना है सोडियम मेटाबाइसल्फाइट एंड सोडियम बेंजोएट, ठीक है। अब प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, जैसे अचार हो गया है उसको जो है हम कॉमन सॉल्ट से ही जो फूड प्रिजर्व करते हैं। इवन मीट और फिश है जो दैट आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, तो सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आमला, रॉ मैंगो एंड टैमरिंड, इमली वगैरह का जो है जो जब भी हम ये यूज़ करते हैं वहाँ पे जो है यूज़ करते हैं हम कॉमन सॉल्ट को भी जो एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ कर सकते हैं। इवन चीनी को भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जो चीनी है वो मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देती है और ये जो मॉइस्चर होता है बहुत ज़रूरी होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, लेकिन जब हम चीनी डाल देते हैं तो ये जो मॉइस्चर कम हो जाता है तो उसमें जो है माइक्रोब जो है नहीं पन पाएगा, जैसे कि जैम और जेली और स्क्वैश हो गया, वहाँ पे शुगर एक्ट एज ए प्रिजर्वेटिव। दूसरा बहुत ऑयल एंड विनेगर, हम देखते हैं कि बहुत सारे ऑयल्स हैं वो भी जो है दे एक्ट एज प्रिजर्वेटिव क्योंकि जो बैक्टीरिया ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं रह सकता। विनेगर इज सिरका, ऑल्सो कॉल्ड सिट्रिक एसिड, जिसको यूज़ किया जाता है और ये बहुत कॉमन प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है। कोल्ड एंड हीट ट्रीटमेंट से कुछ तरीके से, जिस तरह ये हो गया कि कोल्ड ट्रीटमेंट से, तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि कोल्ड ट्रीटमेंट जैसे अगर लो टेम्परेचर है वो भी जो है इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रोब, तो वो क्या करते हैं कि वो जब बर्फ़ में या किस हम ज़्यादा कम टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो चीज़ जो है प्रिजर्व हो जाती है, राइट। दूसरा है हीट ट्रीटमेंट, हम क्या करते हैं मिल्क को हीट किया जाता है अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड एंड देन सडनली चिल्ड, तो ये क्या करता है प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाई लुईस पैस्चर एंड इट इज़ कॉल्ड पैस्चराइजेशन। तो आपको पैस्चराइजेशन पे ऊपर क्वेश्चन आ सकता है ये हीटिंग मेथड है या कोल्ड मेथड है, ये हीटिंग मेथड है जिसमें दूध को एकदम से गर्म करके एकदम से ठंडा किया जाता है। फिर स्टोरेज एंड पैकिंग है, ये ड्राई फ्रूट और इवन जो वेजिटेबल है वो एयर टाइट सील्ड में जो है पैकेट में जो करते हैं दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्टोरेज एंड पैकिंग। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन की। नाइट्रोजन फिक्सेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से जो है नाइट्रोजन फिक्स की जाती है। राइजोबियम जो है दैट लिव्स इन द रूट नड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट सच बीन्स एंड मीस पीस विद विच इट हैज़ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तू मेरा काम कर दे मैं तेरा काम कर दूंगा, इस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। जो प्लांट है उसको नाइट्रोजन मिल जाती है और जो राइजोबियम उसको रहने के लिए घर मिल जाता है। तो जो है कुछ हम पढ़ेंगे कि ये जो नाइट्रोजन साइकिल है किस तरीके से जो है हमारे एटमॉस्फेयर में चलता है। तो जो नाइट्रोजन साइकिल हम जानते हैं कि देयर इट हैज 78% नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिटेंट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड वाइटामिन। तो जो है नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है जो है हमारी बॉडी में पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम है, ये प्रोटीन फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा होता है, इवन क्लोरोफिल में भी प्रोटीन होता है, इवन न्यूक्लिक एसिड एंड वाइटामिन वहाँ पर भी जो है नाइट्रोजन पाया जाता है।
Also, the atmospheric nitrogen cannot be taken directly by plants and animals. Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen. Once nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by plants from the soil through their root system. Nitrogen is then used for the synthesis of plant proteins and other compounds. Animal feeding on plants get these protein and other nitrogen compound. तो हवा में नाइट्रोजन सी एज सच ये जो है प्लांट्स इसको यूज़ नहीं कर सकते थे. तो क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन है, ये जो इसकी बैक्टीरिया है प्लांट, इसके प्लांट के रूट में रहता है. सो ये जो कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को ताकि वो जो है प्लांट्स यूज़ कर सके. जब ये प्लांट यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस में, तो यही प्लांट्स को कुछ एनिमल्स खाते हैं जिसको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स, और यही नाइट्रोजन जो है इन प्लांट में चली जाती है. तो जब ये प्लांट मर जाता है तो ये नाइट्रोजन वेस्ट तो जो है इसका ये धरती में फिर से आ जाता है, लेकिन ये धरती में ऐसे ही पड़ा रहता है. फिर उसके ऊपर क्या करते हैं कि नाइट्रोजन कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन द सॉइल. तो ये ऐसे इस तरीके से होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसको यूज़ करेगा. तो दूसरी तरफ से एनिमल में आ गया, यही जब उसने प्लांट खाया तो जब उसकी डेथ होगी वो फिर से सॉइल में चला गया. लेकिन सॉइल में से भी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो है नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन गैशियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे. तो फिर वही नाइट्रोजन जो है हवा में फिर आ गई. दूसरी बात क्या होती है, जब लाइटनिंग होती है जो आसमान के ऊपर जब बिजली कटकती है, तो वहाँ पे भी जो है लाइटनिंग में भी जो होती है कुछ जो है नाइट्रोजन आती है जो कि बरसात के साथ जो है फिर से धरती में आ जाती है. धरती से फिर जो कुछ बैक्टीरिया है उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं. ऑल्सो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड. तो हमने देखा कि अल्टीमेटली जो नाइट्रोजन की अमाउंट फिक्स रहती है, अगर वो धरती से आई, धरती से प्लांट से एनिमल में, एनिमल से फिर धरती में, और धरती में फिर बैक्टीरिया है जो उसको गैस में कन्वर्ट कर देगा. तो ऑल्सो जब लाइटनिंग होती है कुछ जो नाइट्रोजन है बरसात की जब होती है वहाँ पर भी HNO3 या नाइट्रस एसिड की फॉर्म में जो है हवा जो है रेन गिरती है, तो वो फिर वो सॉयल में चली जाती है. सॉयल में फिर बैक्टीरिया उसको हवा में भेज देता है. ऑल्सो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को, जो अगेन वो नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाते हैं जो कि सॉयल में मिल जाते हैं. तो इस तरीके से देखा हमारे एटमोसफियर में जो है नाइट्रोजन की अमाउंट हमेशा जो कॉन्स्टेंट रहती है, राइट. सो अभी जो कीवर्ड्स इसमें आपको याद करना है, एल्गी ये एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. दे इनका जो रूट और जो सूट सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, बट दे आर ऑटोट्रॉप्स. एंटीबायोटिक्स आर दोज दैट आर यूज टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन वी इंजेक्ट लाइव और एटीन्यूटेड फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अनटू अवर बॉडी. सो द बॉडी गिव्स द रिस्पॉन्स टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज. सच द दीज केमिकल्स दैट आर फॉर्म्ड इन द बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिजीज दे आर कॉल्ड एंटीबॉडीज. बैक्टीरिया क्या है, सबसे पुराना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. कैरियर वो होते हैं जो डिजीज़ कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप ले उनमें होते हैं, लेकिन उन खुद को डिजीज़ नहीं होती है. कॉमन कैरियर इज हाउस फ्लाई एंड कॉकरोच. कम्युनिकेबल डिजीज आर दोज दैट आर स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू फूड, एयर, वाटर और बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट, एंड दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय सोशल डिस्टेंसिंग. फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच द शुगर इज कन्वर्टेड इन टू एल्कोहल. इट इज डन विद द हेल्प ऑफ यीस्ट. फंजाई क्या है, सेप्रोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो दूध में पाया जाता है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनको हम नेकेड आई के साथ नहीं देख सकते, उनका साइज बहुत स्मॉल होता है. वी नीड माइक्रोस्कोप. देन इज नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन साइकिल एक ऐसा विशेष साइकिल है जो हमारी एटमोसफियर की नाइट्रोजन को हमेशा कॉन्स्टेंट रखता है. नाइट्रोजन फिक्सेशन इट इज डन विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अल्गा. पेस्टराइजेशन इज द हीट ट्रीटमेंट ऑफ द मिल्क दैट इज डन टू किल द माइक्रोब्स. It was discovered by Louis Pasteur. Pathogen is the disease-causing microorganism. Preservation is the method by which food is preserved. It can be done by heat treatment, cold treatment, by chemical method. Chemicals that can be used are citric acid, sodium benzoate, sodium metabisulfite, and protozoa. ये एक्वेटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म है. राइजोबियम ये है बैक्टीरिया है दैट इज फाउंड इन द लेग्यूमिनस प्लांट. वैक्सीन इट इज द लाइव और एटीन्यूटेड फॉर्म ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. वायरस दैट इज द बॉर्डरलाइन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. यीस्ट ये है एक फंजाई जिसको हम यूज करते हैं फॉर द फर्मेंटेशन. ओके, नाउ You what you have learned is microorganisms are too small and are not visible to the naked eye. They can live in all kind of environment ranging from ice cold climate to hot spring and desert to marshy lands.
तो ये कैसे रह सकते हैं? क्योंकि इनके पास होती है सेल वॉल, जैसे कि बैक्टीरिया के पास, ये एक्सट्रीम कंडीशन में इसलिए रह सकते हैं। ये बात आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड इन द बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। दे मे बी यूनिसेलुलर, एक सेल का भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है 5 क्लासेस में हो सकते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। वायरस, दो डिफरेंट फ्रॉम द अबव मेंशन, दे आर द कंसिडर्ड एज माइक्रोब्स, बट दे आर बॉर्डर लाइन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। Viruses are quite different from other microorganisms. They reproduce only inside the host organism, bacteria, plant or animal. उसका खुद का कोई काम नहीं होता, किसी की बॉडी में जाएगा, उसकी बॉडी किस मशीनरी को यूज़ करेगा और अपना हुक्म चलाएगा उसमें। Some microorganisms are useful for commercial production of medicines and alcohol. Medicine में streptomycin हो गया, penicillin हो गया, alcohol में आपकी yeast होगी। Some nitro microorganisms decompose the organic waste and dead plants and animals into simple substances and clean up the environment. Protozoans cause serious disease like dysentery and malaria. Some of the microorganisms grow on our food and cause food poisoning. Some of the microorganisms reside in the root nodules of legume plant. They can fix nitrogen from air into soil and increase the soil fertility. Some bacteria present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert into nitrogenous compound. Certain bacteria convert compounds of nitrogen present in the soil into nitrogen gas, which is released into the atmosphere. अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ डैश, दैट इज माइक्रोस्कोप। ब्लू ग्रीन एल्गा फिक्स डैश, दैट इज नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड एनहांस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ डैश, दैट इज यीस्ट। कॉलरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, दैट इज विब्रियो कॉलरा। सो यीस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, इवन नियोमाइसिन, पेनिसिलिन, दे ऑल आर एंटीबायोटिक। कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ, दैट इज फीमेल एनोफ्लीज। The most common carrier of communicable disease is housefly. The bread or idli dough rises because of growth of yeast cell. The process of conversion of sugar into alcohol is called fermentation. अब आप जो है मैच द कॉलम आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। और चौथा क्वेश्चन है, कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी सीन विद द नेकेड आई? नो, दे कांट बी सीन बिकॉज दे आर टू स्मॉल। इफ नॉट, हाउ दे कैन बी सीन? दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। What are the major groups of microorganism? Bacteria हो गया आपके पास, virus हो गया, fungi हो गया, then you have protozoa and पांचवा borderline, that is the virus. Name the microorganisms which can fix atmospheric nitrogen in the soil. Rhizobium bacteria हो गया and blue green alga. Write 10 and on the usefulness of microorganism in our life. सबसे पहले वो हमें हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि ई कोलाई हमारी बॉडी में होता है। दूसरा जो है हमारे घर में काम आते हैं, हमारी फूड बनाने में, इडली बनाने में, केक बनाने में, एंड ऑल्सो इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। फर्मेंटेशन में भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम आते हैं। दे आर ऑल्सो यूजफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन में ये काम आते हैं। दूसरा, ये अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। देन दे ऑल्सो हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड दे द लास्ट वन वॉज क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। यस, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट एंड इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? फूड पॉइजनिंग करते हैं, हमें बीमारियाँ करते हैं, ये सब जो इसकी हार्मफुल इफेक्ट हैं। वट आर एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स हैं दोज केमिकल्स दैट आर यूज टू मेड टू किल द हार्मफुल बैक्टीरिया। वट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स? एक तो जितना हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कोर्स दिया है उतने दिन की खानी चाहिए। अगर 3 दिन बोला तो 3 दिन खानी है, 4 दिन नहीं खानी, ना ही 2 दिन खानी है। तो अगर हम ऐसा करेंगे, जो हमारा बैक्टीरिया बॉडी के अंदर डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया रह रहा है वो रेजिस्टेंट हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम हमें उससे स्ट्रांग डोज लेनी पड़ेगी। द नेक्स्ट थिंग इज, बैक्टीरिया हैव लिव्ड ऑन द अर्थ फॉर मच लॉन्गर देन ह्यूमन बींग्स। दे आर सच हार्डी ऑर्गेनिज्म दैट दे कैन लिव अंडर एक्सट्रीम कंडीशन। दे हैव बीन फाउंड लिविंग इन बॉइलिंग मड पॉट्स एंड एक्सट्रीमली हॉट cold icy waters. They have been found in lakes of caustic soda and in pools of concentrated sulfuric acid. They can survive at depth of several kilometers. They probably can survive in space too. A kind of bacterium was recovered from a camera which stood on the moon for 2 years. This is probably no environment. There is probably no environment in which bacteria cannot survive. तो हमने देखा बैक्टीरिया बहुत ही ढीठ है, वो कहीं पर भी पाया जा सकता है, वो इतने सालों से रह रहा है।
तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ, दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, जिसमें हमने कुछ उसके यूज़फुल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स को पढ़ा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया है तो आप मुझे जो है मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अगर आपको कोई इसमें लगा है कि कुछ कमी थी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, ताकि जो मैं इसको इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।